वेलकम बैक। पार्ट 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज का ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आपको बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको रिड्यूसिंग मेथड लगानी होगी, तो आपको देख के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैंने आपको पार्ट 30 में सिखाया था कि कैसे रिड्यूसिंग मेथड को एप्लीकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको कुछ एज्यूम कर लेंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन को कुछ लिख रहा हूँ इस तरीके से, 1/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। अब मैं इस पूरे टर्म को u एज्यूम कर लेता हूँ और इसको v एज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है वो 5u प्लस 1v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम वे आप इसको भी लिखोगे तो ये इक्वेशन 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई और ये आपके पास इक्वेशन बी आ गई। अब मैं इस दोनों इक्वेशन के अंदर, मेरे पास टोटल 5 मेथड्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने की, मैं उन 5ों में से कोई भी मेथड लगा सकता हूँ। फिलहाल मेरी फेवरेट मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड को लगाऊंगा। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो मैं इसको दोनों को कट कर दूंगा। बाकी का फिलहाल सॉर्ट आउट होके मुझे कुछ u की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। और इस इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी 3 थे इसलिए मैंने किसी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। अब मैं अगर बाहर से माइनस कराऊंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और मैं इसको कट नहीं करा पाऊंगा। तो मैं इस बार माइनस नहीं प्लस कराता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए आप, ये प्लस माइनस कट हो गया। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 यू, और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। नाउ 21u इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम वे आप इस u की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो 5u प्लस 1v इज इक्वल टू 2। नाउ 5 1/3 प्लस वी इज इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 6। आपको ये इसके पास भी लेके जाना है और ये इसके पास भी लेके जाना है, और ये 5 × 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेके जाइए, 6 माइनस 5 3v इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो आपके पास u इज इक्वल टू 1/3 आया और v इज इक्वल टू भी 1/3 आ गया। अभी मेरे पास स्पेस कम हो रही है तो मैं आपको एक नए पेज के अंदर लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास u इज इक्वल टू 1/3 आ गया और v इज इक्वल टू भी 1/3 आ गया, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/3 एंड v इज इक्वल टू 1/3। बट मैंने यहाँ पे जो u था वो क्या था, 1/x-1, तो मैं इस u की जगह पे 1/x-1 लिख लेता हूँ जो 1/3 के बराबर होगा।
और यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू 1 बाय y माइनस 2 था, तो ये 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू के ऊपर 1 1 है, कट हो जाएगा, इज इक्वल टू के ऊपर 1 1 कट हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2, नाउ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हो ये आंसर आ गया, x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। तो आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसमें जो बड़े बड़े कंपोनेंट दिख रहे थे 1 बाय x माइनस 1 x y माइनस 2, तो उनको हमने u और v एज्यूम कर लिया। फिर तो आपके लिए ये बहुत ही कप ऑफ टी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। जो हमारे पास मेथड्स हैं उसके बेस पे ही हमने इसको सॉल्व किया है। आप u और v की वैल्यू ले लीजिए, फाइंड कर लीजिए, और उस u और v की वैल्यू के अंदर आपने जो वैल्यू एज्यूम की थी वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। फिर भी आप इसको आगे अलजेब्रा के तरीके से सॉल्व कीजिए और फाइनली आपके पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर यहाँ तक ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई प्लेलिस्ट, एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने टोटल क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टोटल हमने 5 चैप्टर्स को कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो सीरीज को आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को डीप में बेसिक तरीके से समझाया हुआ है, तो आप उन सारे वीडियो सीरीज को भी एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो, आपको ये वीडियोस लर्निंग हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, ताकि कमेंट हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।